बोल करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है याद करके जाइए गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो उसको चाहिए। आज वादा करता हूँ बिहार दिल्ली सरकार 1,25,00,000 करोड़ रुपये का पैकेज दे। कहाँ गए मोदी जी? बिहार को आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल भी मोतिहारी में चीनी का मिल अब तक नहीं खुला। खेती करने वाले किसान नमस्कार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था गैस सिलेंडर को लेकर आखिरकार उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर को प्रणाम करके वोट देने के लिए जाइएगा और अब जब 10 साल हो गया उन्होंने 75 दिन मांगा था और अब उन्हें 10 साल दे दिया गया उसके बावजूद भी क्या हालत है। तेजस्वी यादव जो है वो मंच पर एक ब्लूटूथ साउंड के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज को जनता को सुना रहे थे और पूरी बातों को हम आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव किस तरीके से मंच पर वो जब भाषण दे रहे थे और लगातार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहा था कि 10 साल दे दिया जनता ने आखिरकार क्या हुआ 75 दिन मांगा। सुनिए वो वाइट जो तेजस्वी यादव ने मंच पर दिया से आए हुए इतनी गर्मी में भी महान जनता सभी अभिभावक बुजुर्ग हमारे नौजवान युवा साथी सभी लोगों को आदाब प्रणाम और सलाम करते हैं। पूर्व में वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि ये कोई मामूली चुनाव नहीं है और ये जो चुनाव है देश को बनाने का चुनाव है देश को बचाने का चुनाव है। लगातार भाजपा के लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं, समाज में जहर बो रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया ने पिछले बार यहां से भाजपा के प्रत्याशी को जिताया, मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा के प्रत्याशी ने कोई काम यहां नहीं किया होगा। बताओ कोई काम अगर यहां भाजपा के प्रत्याशी ने किया हो तो भाजपा का सांसद भाजपा का राज्य में सरकार भाजपा का केंद्र में सरकार बीच में अगर 17 महीने छोड़ दें जहां महागठबंधन का सरकार था हम उप मुख्यमंत्री थे लगातार इन लोगों का सरकार चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है महंगाई है गरीबी है पलायन है किसान का आय दुगुना होना चाहिए फसलों का सही दाम मिलना चाहिए। आप लोगों के इलाके में हम घूम घूम करके देखते हैं तो कितना बड़ा मक्का का खेती होता। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के समर्थन से भाजपा का सांसद एक कारखाना एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहां मक्के के लिए खोला हो मखाने के लिए खोला तो बताओ कोई काम नहीं। सबसे ज्यादा फसल मक्के की मखाने की होती है यहाँ लेकिन कोई किसानों को सही दाम मिल जाए फसलों का सही उचित दाम मिले इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। नौजवान भाइयों को नौकरी मिले रोजगार मिले हमारे यहाँ निवेश हो कारखाने खुले महंगाई गरीबी खत्म हो इस पे कोई प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं किया। 10 साल केवल झूठ बोला है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। केवल लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया। अब उनकी बात को सुनिए महंगाई बढ़ती गई मोदी जी तो गरीब क्या खाएगा लेकिन प्रधानमंत्री
महंगाई का ना बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का ना बोलने के लिए तैयार। इनका अहंकार इतना है, बहुत अहंकार है कि एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में छुआ नहीं जाता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू चुपके सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। आप महंगाई पे नहीं बोल रहे, ये गरीबी का हाल कर दिया है। बोल कर रह जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूँ बिहार दिल्ली सरकार 1,25,000,000,000 रुपए का पैकेज देगी। कहाँ गए मोदी जी? बिहार को इसमें सबसेकर की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल भी, मोतिहारी में चीनी का मिल अब तक नहीं खुला। खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिलते हैं। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मेरे सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 10 साल दे। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश चूक सजा करेगा। वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो, अरे हम तो फकीर आदमी है, झूठ नहीं।